माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। नेताजी सबके प्रिय थे, बहुत लंबा समय उन्होंने देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अपना जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश और वास्तव में तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका सरल स्वभाव, काफी प्यार करते थे, मुझे भी उनका आशीर्वाद सानिध्य मिलता रहता था। उनके देहांत का हमें सबको बहुत दुख है, भगवान उनकी शांति को, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को, अखिलेश, टिम्पल सबको मेरी तरफ से संवेदना कि वो इस बहुत बड़े दुखद घटना को सहन कर सकें। देश के लिए क्षति हुई है और मेरा विश्वास है कि उन्होंने जो काम किया वो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। मुलायम सिंह जी इस दुनिया से चल बसे हैं। एक कदावर लीडर जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत थी। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात जरूर कहता रहता जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए जिंदगी दी इन्होंने। हर वक्त उसी के लिए सोचा। जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो ये सोचा कि वतन कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि भारत किसी खतरे का, हर खतरे का मुकाबला कर सके, ये इनकी थी। एक बहुत बड़े स्टार का समाप्त होना राजनीतिक जगत के लिए बड़ा अपूर्णीय क्षति है। माननीय मुलायम सिंह यादव धरती नेता थे, जमीन के नेता थे। उनके निधन से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में शोक की लहर दौड़ी है। मैं शोक संतप्त परिवार के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उनको दुख सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना। बहुत दुखद समाचार है। विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में और परमपिता से प्रार्थना उनके समर्थकों को, परिवार वालों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान कि राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूं, जाना हूं, उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहे तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे। और राजनीति में रहने वाले के अंदर यह भाव रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में और वह जो भी राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज और देश की सेवा करते हैं उनके लिए मिसाल बनेंगे। आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का एकाएक निधन का समाचार सुनकर मैं स्वयं बड़ा स्तब्ध रह गया। मुलायम सिंह जी राजनीति के एक जबरदस्त पुरोधा थे और राजनीति में संघर्ष के माध्यम से और अपने सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत रखते हुए जो बड़े हैं, मुलायम सिंह का उसमें नंबर एक पर स्थान रहेगा। मुलायम सिंह जी राजनीतिक दृष्टि से
बड़े परिपक्व और जो भी निर्णय लेते थे उसे पूरा करने का प्रयास भी करते थे। हम सभी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, बहुत बड़ा ये एक वाकया है। और मुलायम सिंह यादव साहब ने एज अ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो पूरे स्टेट को तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट की राह पर ले गए थे, उनकी इन खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और एज अ डिफेंस मिनिस्टर जो उन्होंने मुल्क की खिदमात अंजाम दी हैं, वो भी हमेशा याद रखी जाएंगी। मनवर मैं रामपाल बाल्मीकि प्रधान ग्राम सभा से अपील करूँ और नेताजी के चरणों का सेवक रहूँ, हमेशा सेवा की नेताजी के चरणों में। हमें अभी सवेरे अचानक की खबर लगी कि नेताजी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और करीब 8:20 पर हमें खबर मिली कि नेताजी दुनिया से चले गए। हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा गांव गमगीन है, दुखी है। हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का अवतार हम सिंह को मानते थे, आज हमें छोड़कर चले गए। बहुत दुखद समाचार है। विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में और परमपिता से प्रार्थना उनके समर्थकों को, परिवार वालों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान। मैंने जब प्रणाम करके पांव छुए तो बराबर में खड़े रामगोपाल यादव जी ने परिचय कराया कि ये महेश शर्मा है, शायद उनकी वो याददाश्त टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा था बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मेरे लिए उनके आदर्शों की, उनके जीवन की कुछ बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में यादगार के रूप में बनी रहेंगी। लाखों करोड़ों देशवासियों के यादों में भी उनकी स्मृति हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। खबर सह अपडेट रहिबा पाई जी ओडिसा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु।